आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जगह पे वी पुट कर देंगे एंड देन इसको क्या डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हो जाता है 1 एंड y का हो जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी का हो जाएगा dv वी अपॉन डी एक्स। इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम dy वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड कर लेंगे तो ये हो गया dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। ये जो हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा dv वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर एंड ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब हमें इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना है तो ये जो 1 प्लस वी स्क्वायर वाला पार्ट है इसको डी वी के अपॉन में ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एंड ये डी एक्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाता है टेन का, तो यहाँ से हो जाता है टेन इनवर्स वी इज इक्वल्स टू ये हो जाता है एक्स प्लस सी। वापस वी की वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर देंगे तो ये गया टेन इनवर्स और वी की वैल्यू हमें यहाँ से पता है कि ये एक्स प्लस वाई है तो यहाँ से वी की वैल्यू हो जाती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी एंड ये जो टेन इनवर्स है इसको हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड की हेल्प से ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी ये जो हमारा 4x प्लस वाई प्लस 1 है इसको हम यहाँ पर v पुट कर देंगे एंड अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x का बचेगा 4 प्लस यहाँ बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ बचेगा डी वी अपॉन डी एक्स एंड यहाँ से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को निकालना है अलग तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 4। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 4 पुट कर देंगे तो ये हो जाता है डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस 1 की जगह पर हम यहाँ पे वी स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये हो जाता है डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 4। अब ये वी स्क्वायर प्लस 4 वाले पार्ट को हम डी वी के अपॉन में ले आएंगे तो ये जाता है डी वी स्क्वायर प्लस और ये जो 4 है इसको हम 2 का स्क्वायर लिखे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एंड ये हो जाता है डी एक्स। ये फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स वी अपॉन 2 और यहाँ पे बच जाएगा हमारा एक्स प्लस सी। ओके यहाँ से हो जाता है टेन इनवर्स वी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ये जो ये वाला 2 है इसको हम इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में तो 2x प्लस सी हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो वो कांस्टेंट ही रहेगा एंड अब यहाँ पे बचता है वी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू टेन 2x प्लस सी एंड अब हम यहाँ पे ये वाले 2 को इधर भेज देंगे एंड v की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे वापस पुट कर देंगे 4x प्लस वाई प्लस 1 ये वाली v की वैल्यू हम यहाँ पर वापस पुट कर देंगे तो v की जगह हम पुट कर देंगे 4x प्लस वाई प्लस 1 ये और ये वाला जो 2 है इसकी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan 2x प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं एंड अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब इसे भी हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड रखना है, एंड ये जो साइन इन्वर्स है इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। अब हम यहाँ पे जो एक्स प्लस वाई है उसकी जगह पे हम यहाँ पे वी पुट कर देंगे, पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वी, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये बचेगा वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग कर लेंगे, तो ये बचेगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन बचेगा यहाँ से ये वाला टर्म। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जाता है डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाता है साइन वी। अब ये जो ये वाला माइनस का वन है इसको हम इधर भेज देंगे, देखिए डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन वी प्लस वन। को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम दो फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, साइन वी का फॉर्मूला एक यहाँ पर अप्लाई होगा जो कि हमारा होता है टू साइन वी बाई टू इंटू कॉस वी बाई टू, एंड एक हम यहाँ पे वन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारा ये होता है कॉस स्क्वायर वी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर वी बाई टू, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे। ओके, तो किस तरीके से, जैसे कि साइन वी का हो जाएगा टू साइन वी बाई टू इंटू कॉस वी बाई टू प्लस, एंड ये जो वन का यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर वी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर वी बाई टू। अब ध्यान से देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब कॉस वी बाई टू प्लस साइन वी बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर है, तो ये हो जाता है अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वी बाई टू प्लस साइन वी बाई टू का होल स्क्वायर। अब इस वाले टर्म को डी वी के अपॉन में ले आएंगे, तो ये हो जाता है कॉस वी बाई टू प्लस साइन वी बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर, इज इक्वल्स टू ये जो हमारा डी एक्स था इसको इधर भेज देंगे, अब यहाँ से कॉस वी बाई टू को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर वी बाई टू, एंड यहाँ पे ब्रैकेट वन प्लस टेन वी बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स, एंड ये जो कॉस स्क्वायर वी बाई टू है इसको ये कॉस स्क्वायर वी बाई टू जो है अपॉन में, तो ये फॉर्मूला है, तो ये हो जाता है यहाँ से सेक स्क्वायर वी बाई टू डी वी, एंड ये अपॉन में हो जाता है वन प्लस टेन वी बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर, इधर बचता है डी एक्स। अब यहाँ टेन वी बाई टू है इसको हम यहाँ पर टी मान लेंगे, वन प्लस टेन वी बाई टू इसको हम यहाँ पर टी पुट कर देंगे, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, तो टेन वी बाई टू का यहाँ पे हो जाता है सेक स्क्वायर वी बाई टू इंटू वी बाई टू का हो जाएगा वन अपॉन टू डी वी इज इक्वल्स टू डी टी, तो यहाँ से हमें सेक स्क्वायर वी बाई टू डी वी चाहिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी बाई टू डी वी इज इक्वल्स टू टू डी टी, ये जो ये वाला टू था इसको हमने यहाँ, तो अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी बाई टू की जगह हम टू डी टी पुट कर देंगे, एंड वन प्लस टेन वी बाई टू की जगह हम टी स्क्वायर पुट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टू टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये जाता है एक्स प्लस सी, एंड यहाँ से बचेगा टू टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, तो यहाँ से बचेगा माइनस का टू अपॉन टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, टी को अब इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी इंटू टी, एंड टी की वैल्यू हम जानते हैं एक्स प्लस सी, एंड टी की वैल्यू होती है वन प्लस टेन वी बाई टू, एंड ये हो गया माइनस का टू एक्स प्लस सी,
एंड वन प्लस टेन, और वी की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में थी एक्स प्लस वाई अपॉन टू, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, ये हो गया आपका आंसर। एंड इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये जो माइनस का टू है इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस सी कर्ली ब्रैकेट वन प्लस टेन एक्स प्लस वाई अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।